कल्पना कीजिए कि एक दिन आप उठते हैं और पाते हैं कि आसमान अंधेरा हो गया है, न तो बादलों के कारण और न ही ग्रहण के कारण, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा पूरा ग्रह एक विशाल ब्लैक होल की ओर खिंच रहा है। यह साइंस फिक्शन फिल्मों की बात नहीं है, यह एक डरावनी संभावना है जो हालांकि अत्यधिक असंभावित है, इन कॉस्मिक मॉन्स्टर्स की भयानक शक्ति को प्रकट करती है। क्या होगा अगर पृथ्वी अचानक एक ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल ग्रिप में फंस जाती और अपने अटल अंत की ओर बढ़ने लगती? इसका उत्तर अज्ञात में एक यात्रा है, जहां फिजिक्स के नियम टूट जाते हैं और वास्तविकता जैसी हम जानते हैं टुकड़ों में बंट जाती है। पृथ्वी के एक ब्लैक होल में खींचे जाने का विचार उतना ही भयावह है जितना कि यह दिलचस्प है। साइंस फिक्शन और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्रों को जोड़ता है। हालांकि हमारे ब्रह्मांड की करंट अंडरस्टैंडिंग के अनुसार ऐसी घटना बेहद असंभावित है, लेकिन इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन का अध्ययन करने से हमें ब्लैक होल, उसमें काम करने वाली ताकतों और यदि ऐसा कॉस्मिक कैटास्ट्रोफी होता है तो हमारे ग्रह का अंतिम भाग्य समझने में मदद मिल सकती है। ब्लैक होल ऐसे स्पेस टाइम के क्षेत्र हैं जहां ग्रेविटी इतना प्रबल होता है कि वहां से कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी भाग नहीं सकता। वे तब बनते हैं जब मैसिव स्टार्स अपने जीवन चक्र के अंत में ग्रेविटेशनल कोलैप्स से गुजरते हैं, जिससे एक सिंगुलैरिटी, शून्य आयतन वाला एक इन्फिनिटली डेंस पॉइंट और एक इवेंट हराइजन, वह सीमा जिसके परे से कुछ भी वापस नहीं लौट सकता, रह जाता है। ब्लैक होल के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि स्टेलर मास वाले ब्लैक होल जो ढहते हुए तारों से बनते हैं, और सुपरमासिव ब्लैक होल्स जो गैलेक्सीज के केंद्र में होते हैं और जिनका मास सूरज से लाखों या यहाँ तक कि अरबों गुना अधिक होता है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ब्लैक होल V616 मोनोसिरोटिस V616 मो पृथ्वी से लगभग 3000 लाइट ईयर्स दूर है। सौभाग्य से इतना दूर है कि हमें इसके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आइए कल्पना करें कि अगर कोई विशाल ब्लैक होल जो पृथ्वी के बहुत करीब होता हमारे ग्रह को अपनी ओर खींचने लगता। जैसे ही पृथ्वी किसी ब्लैक होल के इवेंट हराइजन के करीब पहुंचती है, यह इमेंस ग्रेविटेशनल फोर्सेस का सामना करेगी। ये फोर्सेस जितना ब्लैक होल के करीब पहुंचते हैं उतना ही तेजी से बढ़ते हैं, जिससे टाइडल फोर्सेस के रूप में जाना जाने वाला प्रभाव पैदा होता है। पृथ्वी का वह भाग जो ब्लैक होल के करीब होगा उससे दूर के भाग की तुलना में बहुत अधिक ग्रेविटेशनल पुल का अनुभव करेगा, जिससे ग्रह पर खिंचाव उत्पन्न होगा। इस घटना को कभी कभी स्पगेटिफिकेशन कहा जाता है। इस खिंचाव के शुरुआती चरणों में ग्रह की क्रस्ट अपनी सीमा से परे खिंचने के कारण भयानक अपहीवल का अनुभव कर सकती है। विशाल भूकंप और वॉल्केनिक एरप्शन सतह को तबाह कर देंगे, जिससे ग्रह का संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसे जैसे फोर्सेस बढ़ते जाएंगे पूरा ग्रह लंबा होने लगेगा और अंततः पृथ्वी को टुकड़ों में फाड़ दिया जाएगा, जो ब्लैक होल की ओर गिरते हुए स्पाइरल करेंगे। जैसे जैसे पृथ्वी इवेंट हराइजन के करीब पहुंचती है, जो कि नो रिटर्न पॉइंट है, ग्रह विनाशकारी फ्रैगमेंटेशन से गुजरता है। इवेंट हराइजन वह सीमा है जहां से एस्केप वेलोसिटी प्रकाश की गति से अधिक हो जाती है, जिससे इसे ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल से बचने के लिए असंभव बना देता है। किसी बाहरी ऑब्जर्वर के लिए इवेंट हराइजन के करीब आने वाली ऑब्जेक्ट्स के लिए टाइम स्लो होता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि ब्लैक होल के चारों ओर स्पेस टाइम का एक्सट्रीम वार्पिंग हो जाता है। इसलिए एक डिस्टेंट पर्सपेक्टिव से पृथ्वी इवेंट हराइजन के करीब पहुंचते समय फ्रीज होती प्रतीत होगी। इसका प्रकाश इनविजिबिलिटी में बदल जाएगा क्योंकि यह निगल लिया जाएगा। हालांकि पृथ्वी पर मौजूद लोगों के लिए टाइम सामान्य रूप से चलता रहेगा। यदि कोई इसे देखने के लिए जीवित रहता, जो पिछले विनाश के चरणों को देखते हुए असंभव है, तो वे ग्रह के अंतिम क्षणों का अनुभव करेंगे, क्योंकि यह इवेंट हराइजन को पार कर गया और अंततः ब्लैक होल के सेंटर में स्थित सिंगुलैरिटी द्वारा निगल लिया गया। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, यह मॉडर्न फिजिक्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। एक बार जब पृथ्वी इवेंट हराइजन को पार कर लेती है, तो यह उस क्षेत्र में प्रवेश करती है जहां नोन लॉज ऑफ फिजिक्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं। थियोरेटिकली पृथ्वी का सारा मैटर सिंगुलैरिटी में कॉम्प्रेस हो जाएगा, जिससे ब्लैक होल का मास बढ़ जाएगा।
लेकिन पृथ्वी की जानकारी का क्या होगा? पार्टिकल्स की अरेंजमेंट, हिस्ट्री और वे सभी डेटा जो कभी पृथ्वी पर मौजूद थे? नोहेयर थ्योरम के अनुसार ब्लैक होल केवल अपने मास, चार्ज और एंगुलर मोमेंटम से ही पहचाने जा सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य फीचर्स प्रिजर्व नहीं रहते। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के बारे में सारी जानकारी खो जाएगी। हालांकि ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स इस धारणा को चैलेंज करता है, यह सुझाव देते हुए कि इन्फॉर्मेशन किसी न किसी रूप में प्रिजर्व्ड हो सकती है, शायद इवेंट हराइजन पर ही एक होलोग्राम के रूप में। यह डिबेट अनरिजॉल्व्ड बनी हुई है, जो क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के संगम पर खड़ी है। ब्लैक होल द्वारा पृथ्वी का डिस्ट्रक्शन कल्पना से परे एक लोकल कैटास्ट्रोफी होगी, लेकिन ब्रह्मांड की बड़ी योजना में यह शायद ही एक ब्लिप होगी। ब्लैक होल दुर्लभ नहीं है, वे पूरे ब्रह्मांड में स्कैटर्ड हैं, तारों, ग्रहों और पूरे सौर मंडलों को निगल रहे हैं। पृथ्वी का विनाश ब्लैक होल के मास में केवल एक छोटे फ्रैक्शन का योगदान देगा। मानवता के लिए यह सिनारियो उन कॉस्मिक इवेंट्स के प्रति हमारी वल्नरेबिलिटी को रेखांकित करता है जो हमारे नियंत्रण से बहुत दूर हैं। यह ब्रह्मांड का एक्सप्लोरेशन और समझने के इम्पोर्टेंस को भी रेखांकित करता है। हालांकि पृथ्वी के ब्लैक होल द्वारा निगल लिए जाने की संभावना एक्सट्रीमली लो है, लेकिन अन्य एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स जैसे एस्टेरॉयड इम्पैक्ट, गामा रे बर्स्ट्स या सुपरनोवा संभावित रूप से हमारे ग्रह को खतरे में डाल सकते हैं। यदि पृथ्वी को एक ब्लैक होल में खींच लिया जाता तो यह हमारी दुनिया का एंड होता, लेकिन ब्रह्मांड का एंड नहीं होता। ब्रह्मांड का विस्तार, एवोल्यूशन और नए सितारों, ग्रहों और संभवतः लाइफ फॉर्म्स को जन्म देने का सिलसिला जारी रहेगा। स्पेस और टाइम के विशाल विस्तार में पृथ्वी का विनाश एक मामूली इवेंट होगी, जो ब्रह्मांड की कभी न खत्म होने वाली कहानी में अनगिनत अन्य इवेंट्स में से एक होगी। ऐसा सिनारियो ब्रह्मांड में हमारे स्थान की एक विनम्रता से भरी याद दिलाने वाला है, एक विशाल, अक्सर हॉस्टाइल और हमेशा इंस्पायरिंग यूनिवर्स में एक छोटा नाजुक बिंदु। यदि आपको ब्रह्मांड के इस एक्सप्लोरेशन में दिलचस्पी आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ब्रह्मांड के मिस्ट्रीज पर और भी माइंड बेंडिंग कंटेंट के लिए जुड़े रहें। नोटिफिकेशन बेल को हिट करें ताकि आप कभी कोई अपडेट मिस न करें।